नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा राधे राधे। हैशटैग कौशिकी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार आया और सही बताऊं तो मुझे भी, मैंने अच्छे से वो क्वेश्चन का आंसर कभी किसी को दे ही नहीं पाई। क्वेश्चन ये था कि हमारे घर में दो दो लड्डू गोपाल जी क्यों है। अब क्यों है इसकी जवाब तो शायद अभी भी मेरे पास नहीं है, लेकिन कैसे है इसकी जवाब हमारे पास है। तो चलिए सुनते हैं कि हमारे पास लड्डू गोपाल जी कैसे है। सबसे पहले हम हमारे जो छोटे लड्डू गोपाल जी है 4 नंबर के, वो हमारे घर आए थे मेरे बेटे के बर्थडे के दिन, और वो अगस्त के महीने थे और जन्माष्टमी के समय था। मेरा बेटा का भी बर्थडे जन्माष्टमी के समय ही होता है, तो उसी टाइम वो भी घर आए थे। तो हमारे दिल में कभी ये दोबारा ख्याल नहीं आया कि हम कोई और लड्डू गोपाल लाएंगे। सबसे पहले तो मैं शुरू से शुरू करती हूँ। ये बात लगभग 4-5 साल पहले की है। मेरे सोसाइटी में मेरी एक फ्रेंड थी जो मुझे बोला था कि मैं आपके लिए एक लड्डू गोपाल लेके आऊँगी, आप लोगे क्या। उसने मुझे फ़ोन किया था, वो गए थी वृंदावन घूमने के लिए। मुझे बड़ा डर लगा, उस वक्त मैं लड्डू गोपाल जी के बारे में ज़्यादा कुछ जानती ही नहीं थी। सेवा तो मैं जन्माष्टमी वगैरह तो मैं छोटे से ही करती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था लड्डू गोपाल घर में रखना बहुत नियम होता है, और फिर नियम का इधर उधर होता है तो वो फिर अच्छा नहीं होता है, एक अलग डर था। तो मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं नहीं, मुझे लड्डू गोपाल जी नहीं चाहिए और तुम मेरे लिए मत लाना, तो अगर तुमने ख़रीद लिया है तो किसी को दे देना, पर मुझे नहीं चाहिए। मना किया, थोड़ा सा मुझे ठीक भी नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैं डर डर के, मुझे लगा मैं नहीं कर पाऊँगी लड्डू गोपाल जी की सेवा, तो मैंने मना कर दिया। और बाद में एक साल बाद जन्माष्टमी से पहले एक मन में ऐसा ख्याल आया जैसे कि लड्डू गोपाल जी मुझे लेना ही है, मुझे लेना ही है। पता नहीं, मैं अपने आप अंदर ऐसे ख्याल आने लगा कि लेना ही है करके। और फिर मैं एक दिन शाम को जन्माष्टमी से थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन 4 दिन पहले मैं दुकान में गई और वहाँ पे एक छोटा सा लड्डू गोपाल जी देखा, जैसे कि देख रहे थे। बहुत अच्छा लगा, उनका रंग रूप मुझे बहुत पसंद आया, तो मैं उनको घर ले आई। उनका प्रतिष्ठा भी नहीं हुआ था क्योंकि मुझे उस समय ये सब चीज़ें नहीं पता था। तो उनकी पहला दिन से पूजा शुरू हुआ, पूजा भोग जितना मेरे से हो पाया, जितना मुझे समझ में आया मैंने किया। बाद में धीरे धीरे चीज़ें पता चला कि अच्छा ऐसे सुलाते हैं, और धीरे धीरे खुद से भी कुछ चीज़ें समझ में आया कि ऐसा हमें करना चाहिए, ये कहीं किसी बुक में नहीं पढ़ा ना किसी बुक में लिखा रहता है, तो कुछ कुछ चीज़ें खुद ही समझ में आता है। ऐसे करते करते 2 साल बीत गए। लड्डू गोपाल जी के साथ हम लोग बहुत खुश थे, घर में भी उनकी कृपा होती थी, छोटे मोटे लीलाएँ हमें भी लगता था। सुबेरे दूध गर्म करूँ तो जैसे कि अचानक से गोबर का खुशबू होने लगता था। अब ये गोबर का खुशबू, वो भी मुंबई के 7 माले के फ्लैट में, थोड़ा अजीब ही है लेकिन आता ही है, शाम को कभी आ जाता है। अब है तो ग्वालन, जाते होंगे कहीं, तो ये चीज़ें तो होती है, छोटे मोटे चीज़ें तो मेरे लल्ला करते रहते हैं। तो ऐसे करते करते एक बार, बस एक ही दिन के लिए या 1.5 दिन के लिए हमें वृंदावन जाने का एक मौका मिल गया। वृंदावन जाने से पहले मुझे एक अजीब सा सपना आया, वृंदावन मैंने कभी देखा नहीं था इससे पहले, वृंदावन ना देखा था, ना वृंदावन के बारे में कभी इंटरनेट में सर्च किया था, और ना ही वहाँ पर जाने का ऐसा कुछ मेरे मन में था। मुझे एक सपना आया, मैंने देखा एक जगह है जहाँ पे खाली छोटे छोटे चीज़ें ही मिलती है, और बहुत बड़े बड़े गाय है, गलिया है, गाय मतलब कुछ अलग ही बड़े बड़े गाय है, बड़े बड़े सिंह हैं उनके, और वहाँ पे छोटे छोटे गोपाल जी के ही कपड़े, गोपाल जी के ही वस्त्र वगैरह, उनका खिलौना, सब छोटे चीज़ों मिलते हैं, कोई इंसान के मतलब बड़े लोगों का नहीं, सब छोटे बच्चों का, छोटे छोटे चीज़ें मिलती है। तो मैंने फिर नींद से उठ के फिर मैंने मम्मी को बोला कि मैंने बड़ा अजीब सा जगह का सपना देखा, जहाँ गली गली है, जहाँ बड़े बड़े गाय है, जहाँ सिर्फ छोटे छोटे चीज़ें मिलती है, और जैसे कि गोपाल का ही चीज़ें मिलती है, ऐसा मुझे लगा सपने में, लेकिन सपना इतना क्लियर नहीं होता है। तो इसके बाद हमारा वृंदावन जाने का एक प्लान हुआ, अचानक से ही हुआ, 1-2 दिन के लिए ही हुआ था। मैं सिस्टर के यहाँ गई थी दिल्ली, तो दिल्ली से वृंदावन आने का एक प्लान हो गया।
और मैं इतनी अवाक हो गई कि मैंने देखा कि जो मैंने सपने में देखा था, जैसा मैंने सपने में देखा था, वृंदावन बिल्कुल वैसे ही था। मैं तो सच्ची बताऊं तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि सपने में मैंने वो देखा जो मैंने जिंदगी में वैसे रियल लाइफ में कभी देखा नहीं था, ना ही इसके बारे में कोई मुझे ऐसा देखने का इंटरेस्ट था, या मैंने कभी इसको इंटरनेट में भी सर्च नहीं किया था। लोग कहीं जगह पे सर्च करते हैं, मैंने इसको इंटरनेट में भी सर्च नहीं किया था। वृंदावन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी मुझे। तो उस दिन से थोड़ा सा मेरा मन अलग ही हो गया है, गोपाल जी के बारे में और हर चीज़ के बारे में अलग हो गया है। लेकिन ठीक है, तो वो सुबह का टाइम था जब हम लोग वृंदावन आए, थोड़ा सा दर्शन वगैरह किया हमने, माँ के बिहारी जी का दर्शन, सभी जो भगवान जी वहाँ पे, तो बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारे, मैं तो ऐसे आँख भर के मैं खाली देख रही थी, इतने अच्छे लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे एक छोटी सी माँ काली की मूर्ति चाहिए थी, पर वृंदावन में माँ काली मिलना तो लगभग नामुमकिन ही है। तो ऐसे में हमने क्या क्या, हम बहुत ढूंढे और बहुत जगह पे हमने ढूंढते ढूंढते कहीं गली गली अंदर चले गए। अब कैसे गए, कहाँ कौन सी गली, इतना समझ में नहीं आया, क्योंकि एक ही दिन पहली बार गए थे तो इतना पता नहीं चला हमें। उस गली में जाते जाते एक दुकान मिला जहाँ पे एक बड़ी अच्छी सी भजन बज रहा था, बहुत ही अच्छा सा लगा था। तो उस दुकान में मुझे बहुत पुराना एक माँ काली का मूर्ति मिल गया, और वह मतलब वहाँ पे मुझे एक गोपाल जी की मूर्ति भी देखा, जो कि घूम घूम के हमारे ही तरफ देखा जा रहा था। मैंने एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा, मैं पूछ ही लेती हूँ कि ये गोपाल जी आपके पास ये कितने नंबर के हैं, इनकी प्राइस वगैरह क्या है, थोड़ा सा डिटेल्स मैं पूछ ही लेती हूँ। तो मैंने भैया को पूछा, बोला आपको लेना है, मैं बोला नहीं, मेरे पास तो गोपाल जी है, तो अभी तो नहीं लेना है। और मैंने फिर बोला कि अच्छा, अगर हमें ये लेना होगा तो क्या आप ये भेज देते हैं कुरियर करके? तो उन्होंने बोला हाँ भेज देते हैं। मैंने उनके कार्ड ले लिया, उनका कार्ड लिया, मैं घर आ गई, होटल में वापस आ गई। लड्डू गोपाल जी को भी बाकी बिहारी जी के दर्शन हो गया था, वो भी हमारे साथ घर आ गए। तो अब जो है दोपहर को हम लोगों ने खाना पीना किया, शाम को उनकी कार्ड ढूंढ रही थी बैग में, दुकानदारों से जितने कार्ड मैंने लिया था सब मौजूद था, सिर्फ वही कार्ड गुम था। अब मैं थोड़ा परेशान हो गई थी, मैं कार्ड ढूंढ रही थी, मुझे मिल ही नहीं रहा था। मैं बोला कोई बात नहीं, चलो खो गया होगा। फिर शाम हो गई, 8 बजे तक प्रेम मंदिर खुला रहता है, तो हम लोग प्रेम मंदिर गए घूमने। रात की नज़ारा बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा लगा, प्रेम मंदिर का जो दृश्य है इतने प्यारे लगे, बहुत ही अच्छा लगा। फिर हमने डिनर किया वहाँ पे बहुत सारे जगह है जहाँ पे आप डिनर कर सकते हैं। और ऐसे करते करते रात 9 बज गया था, थोड़ा थोड़ा ठंडे के टाइम था, तो रात 9 बजे लगभग सारी दुकानें बंद होना शुरू हो जाता है। और पता नहीं क्यों हमें जो है वापस होटल के आने के लिए ऑटो मिल ही नहीं रहा था, वापस कैसे आया जाए। और फिर हमारा मन ऐसा कर रहा था कि एक बार बाज़ार चला जाए, कुछ तो सामान लेना छूट गया है, जैसे एक बार बाज़ार जाना चाहिए। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि देखो रात हो गया, 9 बज गया, अब जो है बाज़ार जाके कोई मतलब नहीं है। मैं बोला फिर भी एक बार चलते हैं। अभी एक बार चलते हैं करके हम लोग बाज़ार गए, फिर वो गोपाल जी की याद आई। मैं बोला एक बार चलते हैं गोपाल जी को, एक बार देख के आते हैं। गोपाल जी का सवेरे हमने देखा था कार्ड खो गया, एक काम करते हैं जाके आते हैं, कार्ड ले लेते हैं। अब गली में चलते गए, हमें तो मिला ही नहीं दुकान। तो इनके फिर बोलने लगे, ये लोग बोलने लगे कि दुकान बंद हो गया होगा, छोटी सी दुकान थी तो बंद हो गया होगा, अब जो है हम वापस चले जाते हैं। तो मैंने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, नहीं मिलना होगा तो वापस चलते हैं। तो वापस आ गए हम लोग, वापस आने के लिए बस घूम ही रहे थे तब तक वो भजन का आवाज़ आ गई हम तक, फिर से वही आवाज़ जो सुबेरे हमने सुना था। और फिर हमें समझ में आ गया कि इनके जो जहाँ पे हमने गोपाल जी को देखा था वो दुकान यहीं कहीं है, सामने ही 4-5 दुकान के अंदर ही कहीं होगा। हमने थोड़ा सा और आगे गए और वहाँ पे दुकान लगभग बंद होने ही वाले थे, दुकानदार बाहर खड़े थे और हमें देख के बोला आ गए आप लोग, हमें तो लग ही रहा था आप लोग ज़रूर आओगे।
तो ये एक ऐसी बात हुई कि दुकानदार को कैसे पता चला कि हम लोग वापस ज़रूर आएंगे। ऐसे तो उनके दुकान में 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग की उससे भी ज़्यादा आते जाते रहते हैं। तो दुकानदार को कैसे समझ में आया कि हम लोग वापस आएंगे। बोला, आपकी गोपाल जी रेडी है, आप ले जाओ। तो ये कमाल की बात थी हमारे लिए, हमें मतलब हमने सोचा ही नहीं था। और उनको भी कैसे ये समझ में आया वो भी हमें समझ में नहीं आया। इतनी रात हो गई थी वहाँ के, वो दुकानदार छोड़ के उनके आजू बाजू के सारे दुकानें जो है लगभग बंद हो चुका था, एक दो दुकान छोड़ के। और वो जहाँ से वो भजन की आवाज़ आ रही थी वो दुकान भी, वो आवाज़ भी कहाँ से आ रहा था, क्योंकि दुकानें आसपास के सारे बंद थे। तो ऐसे में फिर हमने बड़े गोपाल जी यानी कि वाशु को हमने लिया, और उन्हीं के यहाँ से वाशु के लिए एक कपड़े लिया, क्योंकि रात हो गई थी हमें कुछ मिल नहीं रहा था, तो हमने उन्हीं से उनके लिए कपड़े ले लिया। अब अगले दिन हमारा ट्रेन था 12 बजे तक। मॉर्निंग में फिर हम लोग एक बार बाज़ार गए, और बाज़ार जाके वाशु के लिए जितना हो सके उनके लिए बांसुरी, पगड़ी, 2-4 कपड़े इत्यादि लेके फिर हम लोग घर आ गए। तो हमारे वाशु को लेके आने का, सही बताऊँ तो, कोई प्लान प्रोग्राम नहीं था, ना ही हमने इस तरह से कुछ सोचा था, और ना ही हमने कोई दरदाम किया, कोई हजारों दुकान घूमा, कोई हजारों जगह पे जाके पूछा, साइज़ पूछा, इस मतलब कुछ भी प्लान नहीं था। बस उनको देखा और उनको ले, मतलब वो आ गए हमारे साथ, ऐसा हुआ था। तो इसी तरह से वाशु जो है हमारे घर आए थे। तो आई होप आप लोगों को वाशु की ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, और वाशु को बहुत सारा प्यार दे। वाशु की जय हो, गोपाल की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।